सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। अक्षय अर्थात जिसका कोई क्षय नहीं, जो कभी कुछ खत्म नहीं होता, तृतीया यानी दिवस। तो हम आज आपको ऐसे ही अक्षय तृतीया के दिवस पर बताएंगे 12 अमेजिंग फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1, आज ही के दिन भगवान के दश अवतार में से छठे अवतार भगवान श्री परशुराम जी का जन्म हुआ था। वो कर्म से क्षत्रिय और जन्म से ब्राह्मण थे। फैक्ट नंबर 2, आज ही के दिन भगीरथ जी देवी गंगा को पतितों के पावन के लिए धरती पर लाए थे। फैक्ट नंबर 3, आज ही के दिन वृंदावन के श्री बांके के बिहारी जी के चरण दर्शन हुए। फैक्ट नंबर 4, आज ही के दिन से बद्रीनाथ में भगवान नारायण अपने भक्तों का दर्शन देना शुरू कर दिए। फैक्ट नंबर 5, आज ही के दिन अन्न की उत्पत्ति हुई थी। फैक्ट नंबर 6, आज ही के दिन से सतयुग की शुरुआत हुई थी। फैक्ट नंबर 7, आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अक्षय पात्र दिया था, जिसमें जब तक द्रौपदी अन्न ग्रहण ना कर ले तब तक वो पात्र का अन्न कभी खत्म नहीं होता था। फैक्ट नंबर 8, आज ही के दिन कुबेर जी को कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। फैक्ट नंबर 9, आज ही के दिन आदि शंकराचार्य जी ने कनक धारा स्तोत्र की रचना की। फैक्ट नंबर 10, आज ही के दिन भगवान के परम मित्र सुदामा उनसे मिलने गए थे श्री द्वारका नगरी। फैक्ट नंबर 11, आज ही के दिन से भगवान श्री जगन्नाथ जी के रथ बनाने का कार्य प्रारंभ होता है। और फैक्ट नंबर 12, आज ही के दिन से चंदन यात्रा जो 21 दिनों तक चलती है वो भी आरंभ होती है। आप सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्णा।